जब गैरों के आंखों में आंसू को देखकर आपकी आंखें भी नम होने लगी, जब औरों की मुस्कराहट को देखकर आपके होठ भी मुस्कराने लगे, तो आप ये समझ लेना कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस धरती पर पूरा हो रहा है। तो आइए, मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बक्सर ज़िले के हेडलाइंस पर। बक्सर ज़िले में संक्रमित की कुल संख्या पहुँच गई है 490। संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने बक्सर ज़िले में आवश्यक सामानों के दुकानों के समयों को किया परिवर्तित। बक्सर के मुख्य डाकघर को किया गया बंद, क्योंकि वहां एक कर्मी पाए गए संक्रमित। कृष्णापुरम थाना के छतनवार गांव में एक 6 वर्षीय बालक की आहार में डूबने से हुई मृत्यु। गायघाट गांव के समीप भरियार गांव के 55 वर्षीय एक वृद्ध की मछली मारने के दौरान नदी में डूबने से हो गई मृत्यु। बक्सर में ठेले पर लिट्टी बेचने वाले एक 60 वर्षीय वृद्ध की गई हत्या। रांची से बलिया जा रहे सब्जी लेकर पिकअप वाहन चालक की रास्ते में की गई हत्या। तो आइए अब हम खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बक्सर ज़िले में कोरोना का विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा, और नया जो हॉटस्पॉट हमारे बक्सर ज़िले में अब जो बनने जा रहा है वो है डुमरांव। आपने खबर सुना होगा, कल 22 लोगों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे, जिसने कि डुमरांव को डरा दिया और बक्सर ज़िले को एक बार फिर से उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर कुछ समय वो पहले था। अभी हमारा बक्सर ज़िला प्रतिदिन कोरोना की मार झेल रहा है। प्रतिदिन औसतन 20, 25, 30 आपको रोज़ केस दिखने को मिल रहे हैं, जो कि बक्सर जिलाधिकारी की चिंता को भी बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी है ये किसी से छुपा नहीं। अनुमंडल अस्पताल हो या फिर सदर अस्पताल हो, कहाँ पर कितनी जांच हो रही है और कितनी मरीजों को सहूलियत दी जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस क्रम में देखते हुए जो भी व्यक्ति अभी जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनके दिल में चिंता सता रही है कि पॉजिटिव हो जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कई पेशेंट्स को यहाँ से अगर थोड़ी सी भी क्रिटिकल हालत होती है तो यहाँ पर सुविधाओं की कमी की वजह से उन्हें रेफ़र करना पड़ रहा है। कोरोना का संक्रमण लगातार हम देख रहे हैं, जूझ रहा है हमारा ये ज़िला, फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि कई जगहों पर लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस भीड़ को देखते हुए और दुकानों और बाज़ारों में इतनी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए बक्सर ज़िलाधिकारी ने फाइनली यह निर्णय किया है कि अब जो आवश्यक सामग्रियों की जो दुकानें थी, जिसको दिन भर खोलने की अनुमति थी, उसके समय को आज से परिवर्तित कर दिया गया है। अब केवल सुबह और शाम ही दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इसमें जितने भी खाद्य सामग्री की दुकानें हैं या फिर मोटर गैराज की दुकानें, मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, उसके लिए यही समय सीमा लागू होगा, सुबह में 7 से 11 और शाम में 4 से 7। इसके अतिरिक्त जो इमरजेंसी केस वाले दुकानें हैं, जो अति आवश्यक सामान बेचने, जैसे मेडिकल फैसिलिटी वाली दुकानें, वो पूर्ववत चलती रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वहाँ पर अति आवश्यक इमरजेंसी हालात में लोग अपनी सेवा लेने के लिए जा सकते हैं। सड़कों पर आप भीड़ इकट्ठा ना करें, नहीं तो इससे भी ज़्यादा सख्त कदम जिलाधिकारी के द्वारा उठाया जा सकता है। हमारे एक दर्शक धनसोई गाँव से अपने यहाँ के बाज़ार की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पर भी मास्क न लगाकर चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। आप ये समझ नहीं पा रहे कि जिस मोहल्ले में एक संक्रमित पाया जा रहा है, उस पूरे मोहल्ले को चेकअप कराना पड़ रहा है। आप ये सोचो, परिवार के परिवार, पूरे के पूरे खानदान को जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में अपने चेकअप कराने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो संक्रमित के कॉन्टैक्ट में आए हैं और विदाउट मास्क कॉन्टैक्ट में आए हैं। अगर दूरी बनाकर, मास्क लगाकर अगर आप गलती से किसी के कॉन्टैक्ट में आ भी गए तो आपको तनिक सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको दिक्कत होगी। बाज़ारों में इस प्रकार से आपका घूमना खतरे से खाली नहीं, आप कोरोना को दावत दे रहे हैं कि वो आपके यहाँ आए और आपको अपने चपेट में ले ले। हम निवेदन करना चाहेंगे ऐसे तमाम बाज़ारों में जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो भी मास्क आप नहीं प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी दुकानें भी खुल रही हैं जिनकी अनुमति नहीं है और ज़्यादा अननेसेसरी क्राउड वहाँ पर जुट रही है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रशासन के लोग हैं, जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी है वहाँ पर इतना आप अवश्य ध्यान दें कि आपकी उपस्थिति में कम से कम ऐसा ना हो और ऐसी दुकानें ना खुले जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा और धीरे धीरे एक एक इलाके को वो चपेट में ले रहा है। अगर आप किसी ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है, तो आप पूर्ण रूप से अगर आप आश्वस्त बैठे हैं तो ये आपकी भूल है। बहुत ही जल्दी वो
कोरोना आपके गांव को भी चपेट में ले सकता है। आप देख लीजिए, तमाम गांव धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ये हमारे ज़िले का कोरोना अपडेट है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने माध्यम से प्रशासन का इंतज़ार न करें, स्वयं से देखिए आप क्या कर सकते हैं अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, वो आप करें, क्योंकि अभी स्थिति बहुत ही नाजुक है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बक्सर ज़िले के मुख्य डाकघर को बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर जो काउंटर पर बैठकर कर्मी कार्य करते थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो सिंपल सी बात है कि किसी भी संस्था में एक पॉजिटिव पाया जाना उस पूरी संस्था को बंद कराने के लिए पर्याप्त है। अब उस डाकघर में और जो कर्मी हैं जो कि कार्यरत थे, अब उनकी सैंपल्स ली गई है, उनकी रिपोर्ट्स का आने का इंतज़ार होगा। फिलहाल डाकघर को सैनिटाइज किया जा रहा है तो कुछ समय के लिए सेवाएँ बाधित रहेंगी, इसके लिए खेद है। और हम आशा करते हैं कि बाकी कोई संक्रमित ना निकले उस डाकघर से, नहीं तो स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो सकती है। एक दुखद खबर निकल कर आ रही है। कृष्णापुरम थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है छतनवार, वहां पर ऐसी खबर आ रही है कि 6 वर्षीय बालक की आहार में डूब जाने से मृत्यु हो गई। हुआ यूँ कि घर पे बच्चों को छोड़कर शेष सदस्य बधार में चले गए अपने कार्य को करने के लिए। जब वो घर लौट कर आए तो बच्चों को जब देखा तो एक बच्चा घर पर मौजूद नहीं था। उसकी खोजबीन की गई, तलाश की गई तो घर के नज़दीक में ही आहार था, जहाँ पर पहुँचने पर बच्चे का चप्पल और उसके खिलौने वहाँ पर दिखाई दिए। वहाँ से अनन फानन में तलाश शुरू की गई तो उसी आहार में बच्चे का बॉडी प्राप्त हुआ। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसी गलती कोई भी परिवार ना करे। छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर, चाहे कितना भी आवश्यक कार्य हो, आप बच्चों को घर पर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल डूबने से मृत्यु का खतरा है बल्कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चों को खतरा है। अतः जितने भी परिवार अपने बच्चों को छोड़कर कार्य पर जाते हैं, ऐसा आप ना करें। कोशिश करें कि बच्चे को साथ में ले जाएं या फिर किसी एक बड़े सदस्य को आप घर पर अवश्य छोड़कर जाएं, अन्यथा ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित होती रहेंगी। डूबने की घटना एक और निकल कर आ रही है कि गायघाट गांव के समीप भरियार गांव के रहने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति की धर्मावती नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। दरअसल वो गए हुए थे मछली मारने के लिए, वहाँ पर क्या हुआ, कैसे अनहोनी हुई ये किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन आजकल जलस्तर बढ़ा हुआ है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, नदियाँ उफान पर है और गंगा नदी से निकलकर बहने वाली जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सभी में जलस्तर उफान पर है। अतः आप मछली मारने के क्रम में भी जो गांव के लोग जाया करते हैं, आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हमें इनके परिवार से पूरी संवेदनाएँ हैं जिन्होंने कि अपने एक सदस्य को खो दिया। इस बीच एक अपराध की घटना का उद्भेदन हुआ है हमारे बक्सर ज़िले में। बक्सर में ही ठेले पर लिट्टी बेचने वाले एक व्यक्ति 60 वर्षीय जिनका नाम था शिव धनीराम, उनकी हत्या करके और सिविल लाइन के पास जंगल बास कब्रिस्तान में उनके लाश को दफना दिया गया था। खोजबीन शुरू ही काफ़ी कुछ दिनों से लापता थे, परिवार वालों के द्वारा तलाश किया गया तो कब्रिस्तान में उनके शरीर के कुछ अंग बाहर दिख रहे थे। जब उनको निकाला गया पुलिस की मौजूदगी में तो देखा गया कि ये उसी परिवार के सदस्य हैं। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है, किंतु जो मृतक के दो पुत्र हैं उन लोगों ने बताया कि कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था आस पड़ोस के लोगों से। उन्होंने ऐसी आशंका जताई है कि शायद इसी वजह से मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं पुलिस को। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर अपने कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है, जाँच पड़ताल कर रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य करेगी हमारी बक्सर पुलिस। आगे बढ़ते हैं, एक और हत्या की खबर आ रही है कि रांची से बलिया जा रहे एक पिकअप चालक के रास्ते में इटाढ़ी के पास कुकुड़ा गांव के समीप हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि सब्जी लेकर वो पिकअप चालक इटाढ़ी के रास्ते बक्सर में आ रहे थे, बक्सर के रास्ते उन्हें बलिया जाना था। बीच रास्ते में ही एक कुकुड़ा ग्राम पड़ता है, वहीं पर उनकी पिकअप रुकी हुई थी, दरवाज़ा बंद था, अंदर खून से लथपथ उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस को कारण पता नहीं चला है लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि किसी न किसी कारणवश किसी ने इनकी बीच रास्ते में हत्या की है। मृतक की पहचान बलिया के शुभनाथ यादव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर प्रशासन कोरोना से निपटने में परेशान है, इधर अपराध की घटनाएँ भी अधिक होने लगी हैं जिसकी वजह से पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट रहा। मैंने आपको वो सारे न्यूज़ पहुंचाने के लिए कोशिश की जो पहुंचाना मुझे आवश्यक लगा और मुझे लगा कि ये न्यूज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। अंततः हमारी आप सभी से निवेदन है,
मैं डुमराव का रहने वाला हूँ और डुमराव में स्थिति अभी विस्फोटक है, उसी प्रकार से बक्सर की हालात मैं देख सकता हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि अभी जो अफरा तफरी मचा हुआ है मेरे डुमराव में, वैसे ही जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे होंगे ऐसे ही अफरा तफरी मचती होगी। लेकिन हमारा आपसे निवेदन होगा कि पैनिक न हो, सावधानी अवश्य बरतें। यदि आप किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आप बिना डरे बिना झिझके, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपका कोरोना पॉजिटिव भी आ गया तो इसमें क्या घबराना है, रिकवरी हो जाएगी, इत्मीनान से रहें आप, कोई टेंशन ना ले, मानसिक प्रेशर ना आने दें। आप बेझिझक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, उनको अपनी समस्या बताएं और ये भी बताएं कि आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं। वहाँ से जो गाइडलाइंस आपको दिए जाएंगे उसको फॉलो करें और चेकअप कराएं। अगर चेकअप नहीं किया जाता है कहीं पर, तो अगर आप सदर अस्पताल जाते हैं, अनुमंडल अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर अगर आपका चेकअप नहीं होता, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाइए, सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं और स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो हमारी सेवा के लिए हैं। यदि आपकी अवहेलना की जाती है, आपके कोरोना की अवहेलना की जाती है, तो पूरी बक्सर की जनता आपके साथ होगी और आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आप वीडियो बनाकर वायरल कीजिए और पूरी जनता उसके साथ आपके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। तो आप हमारे साथ बने हैं, प्रतिदिन बने रहते हैं, बहुत अच्छे से बने रहते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।